तो पहला फार्मूला स्पर्श रेखा का परावर्तक जब पूछेगा तो डी वाई बटा डी एक्स हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है, दूसरा जो है अभिलंब रेखा का परावर्तक होगा माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स, मैंने परावर्तक निकाल के इसी फार्मूला पर रख देंगे तो ये अभिलंब का परावर्तक हो जाएगा, ठीक है। एक तो स्पर्श रेखा की परावर्तक हुआ और एक अभिलंब रेखा का परावर्तक हुआ, ठीक है। आगे बढ़ता है, एक हमारे पास आएगा थ्री नंबर फार्मूला। थ्री नंबर फार्मूला ही आता है कि स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण तो यह होता है, देखो ध्यान से, y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स और x माइनस एक्स वन। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसका यूज करके हम बहुत सारे सवालों को लगाएंगे, ठीक है। y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स और x माइनस एक्स वन। चार नंबर आपका फार्मूला आएगा, चार नंबर जिसका नाम होगा अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण तो होगा वाई माइनस वाई वन बराबर माइनस एक बटा डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये आपकी बात है। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पर पांच नंबर कि यदि रेखा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करे माने काटे तो हमेशा y बराबर जीरो आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है तो देखो, आई x अक्ष है, आई y अक्ष है, रेखा जब x अक्ष पर काटेगी तो x का ही मान होगा, y का मान हमेशा जीरो हो जाता है, y तो रहेगा ही नहीं। तो x अक्ष पर रेखा काटती है तो y का मान क्या होता है? और छः नंबर होता है आपके पास, छः नंबर कि यदि रेखा वाई अक्ष पर काटे, वाई अक्ष पर काटे काटे तो एक्स बराबर जीरो होता है, एक्स बराबर क्या हो गया आपके पास? जीरो, ठीक है। ये आपका इतना फार्मूला रहा, बात समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सवाल को हल करने के लिए चलते हैं, ठीक है ना। कुछ उदाहरण को हल करते हैं कि हम समझ रहे हैं कि क्या दिया, उदाहरण तक देखते हैं। इसमें कहा कि यदि x बराबर दो है, यदि नीचे लिखते हैं, यदि x बराबर दो तथा वक्र y बराबर तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार हो तो स्पर्श रेखा का प्रवणता बताइए। x बराबर दो है तथा वक्र y बराबर का दे दिया टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस चार हो तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए, ठीक है। हल करते हैं, हम देखते हैं इसको। पहले कहा दिया है बाबू वाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और अगर आपने कि जब भी प्रवणता कहता है तब बस आपको डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लीजिए, यही आपकी प्रवणता हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वक्र दिया है उसका आकलन करना, यहाँ पर लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा,
अब बराबर डी डी एक्स, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर हो गया प्लस फोर। अब ये जब आकलन करोगे तो छः एक्स प्लस फोर या जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। इसका डी डी एक्स लगा देना यहाँ, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो गया केवल छः एक्स। लेकिन आप देख रहे हैं कि डी वाई बटा डी एक्स है और एक्स का मान कितना दिया है आपका, दो है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ छः गुणे दो लिख देंगे तो छः दुना बारह हमारा आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बोलो समझ में आया? हम इसको अवकलन करेंगे और अवकलन करके बस मान रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। एक और उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर दो। उदाहरण दो है कि यदि, फिर वही है, यदि x बराबर माइनस तीन हो तथा वक्र y बराबर फाइव एक्स पर फोर प्लस सिक्स एक्स पर थ्री प्लस टू एक्स प्लस पाँच हो, तब स्पर्श रेखा का परावर्ता बताइए। स्पर्श रेखा की परावर्ता बताइए। अच्छी बात है, आसान सा क्वेश्चन है। हम जब हल करेंगे तो बस वाई बराबर जो हमारे पास है फाइव एक्स पर फोर प्लस सिक्स एक्स पर थ्री प्लस टू एक्स प्लस फाइव। तो का मतलब होता है कि आपको डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कहा हो गया बाबू डी डी एक्स, ये डी डी एक्स लगा दो फाइव एक्स के ऊपर फोर प्लस डी डी एक्स सिक्स एक्स के ऊपर थ्री डी डी एक्स टू एक्स और डी डी एक्स फाइव, ठीक है। अच्छा बताओ पाँच का तो पाँच ही रहेगा, लेकिन जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये डी वाई बटा डी एक्स वैसे ही रखेंगे, ये क्या हो जाएगा पाँचों को बीस एक्स के ऊपर क्यूब छत्री अठारह एक्स के ऊपर दो और ये केवल दो और ये जीरो, ये हुआ। अब आपको अब क्या करना है, मान लो कि एक्स का जो मान दिया है उसको तो भरना है ना आपको, तो आप लिख लीजिएगा कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना है, पहले उतार देते हैं बीस एक्स पर थ्री प्लस अठारह एक्स स्क्वायर प्लस दो, ठीक है। यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर बीस एक्स पर थ्री प्लस अठारह एक्स स्क्वायर प्लस दो। अब एक्स का मान कितना दिया है, माइनस तीन दिया है तो भर दो, एक्स बराबर माइनस तीन दिया है तो माइनस तीन और रखने पर रखो तो कहा होगा डी वाई बटा डी एक्स आई बीस माइनस थ्री के ऊपर थ्री आई अठारह माइनस थ्री के ऊपर दो प्लस दो बीस गुणे ये माइनस सत्ताईस अठारह गुणे नौ प्लस दो जीरो सात दुना चौदह दो दुना चार एक पाँच आठ नौ बहत्तर के दो नौ का नौ एक सौ बासठ प्लस दो माइनस पाँच सौ चालीस दो दो चार छः एक दस में से चार गया छः पंद्रह में से तेरह बचेगा ना, तेरह में छः हो जाएगा सात चार में से जाएगा तीन माइनस तीन से छिहत्तर आपका आंसर। कुछ बात समझ में आई? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो लगा सकते हैं आप। एक और देखते हैं, वाला सब ऐसे ही लगेगा ना। उदाहरण थ्री लिख लेते हैं, मान लो एक्स बराबर दे दिया एक बटा दो तथा वक्र दे दिया आपका वाई बराबर फोर एक्स पर फोर सिक्स एक्स पर थ्री प्लस दस एक्स, तो अभिलंब का समीकरण बताइए। तो पहले क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, वाई बराबर का लिख लेंगे फाइव एक्स पर फोर सिक्स एक्स पर थ्री प्लस दस एक्स, यहाँ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर
करने पर तो डी वाई बटा डी एक्स आई बीस एक्स पर थ्री आई अठारह एक्स पर दो प्लस दस अवकलन कर देना डायरेक्टली। ठीक है, अब क्या करना है, जहाँ एक से तहाँ एक बटा दो रखो, एक्स पर एक बटा दो रखने पर तो जब आप रखेंगे तो क्या होगा ना, डी वाई बटा डी एक्स आई बीस एक बटा दो के ऊपर तीन आई अठारह एक बटा दो के ऊपर दो प्लस दस, इतना हुआ। अब इसको क्या करिए, हल करिए, चलिए हल कर देते हैं। नीचे बीस हो सही, एक बटा आठ हो जाएगा, तीन बार लिखेंगे तो, प्लस अठारह एक बटा चार प्लस दस। तो एक काम करो, दो से काट दो, नौ बार में ही कट गया, चार बार में ही, नौ बार में ही, दो बार में ही, तो क्या बचा, बचा आपके पास नौ बटा चार, नौ बटा चार, नौ बटा दो और प्लस दस, नौ बटा चार, नौ बटा दो प्लस दस बराबर, पूरा लसा ले लो चार, ये नौ वैसे ही रखेंगे, ये नौ दो अठारह नब्बे, नब्बे और नौ निन्यानबे अठारह एक सौ सत्रह, तो एक सौ सत्रह बटा चार हमारा काम हो जाएगा, आंसर आ गया, समझ रहे हो, तो रख देंगे। ठीक है ना, अब हम लोग समीकरण कैसे निकालेंगे, मान लो कुछ सवाल देख लेते हैं, मान लो तुम्हारे पास दे दिया, ठीक है ना, अब इसमें जब समीकरण निकालने के लिए कहेगा ना तो दो बिंदु देगा, मान लो यहाँ दे दिया आपके पास कि x बराबर दो, ठीक है, चाहे से दे देगा कि दो और तीन तथा वक्र y बराबर फोर एक्स पर थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस चार, तो स्पर्श रेखा की समीकरण बताइए, स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, ऐसे दे दिए। तो देखो जब स्पर्श रेखा का समीकरण पूछेगा ना तो क्या करोगे, इसको देखो, ये जब हल करोगे इसको तो बस इतना बात जानना कि हमारे पास दो दो और तीन दिया है, भाई एक्स वन हो गया, वाई वन हो गया, हालांकि सूत्र आपको हम बता देता है कि वाई माइनस वाई वन बराबर डी वाई बटा डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन होता है, तो हमको इसका मान और इसका मान मालूम हो चुका है, केवल ये चाहिए डी वाई बटा का चाहिए डी एक्स, तो क्या करना है ना, जो वक्र दिया है यहाँ वाई बराबर जो दिया है क्या फोर एक्स पर थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी तो आपको ये चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो गया डी वाई बटा डी एक्स लिख लो, आई डी डी एक्स फोर एक्स पर थ्री, आई डी डी एक्स छ एक्स पर टू, ये डी डी एक्स प्लस फोर होगा। अब बताओ इसका अगर अवकलन आप करें तो क्या होगा, चाहते हैं बारह हो जाएगा, मैंने आप ऐसे ही लिखिए डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया चार तीन बारह एक्स पर दो प्लस छः दूना बारह एक्स प्लस फोर का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डी वाई बटा डी एक्स ऐसे ही लिखो, एक्स का तो मान आपको मालूम है ना दो, तो जहाँ जहाँ ये बारह ये दो के ऊपर दो ये बारह ये दो प्लस जीरो जीरो हटा दो, ये बारह दो का वर्ग चार, ये बारह दूना चौबीस, तो बारह दूना चौबीस प्लस चौबीस जोड़ने कितना आ गया अड़तालीस, डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना आ गया अड़तालीस आ गया, ठीक है, अच्छा ये वाला अड़तालीस हो गया तो बहत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब समीकरण आपको बताना है ना, तो यहाँ पर लिख लेना स्पर्श रेखा का समीकरण, कोई दिक्कत है नहीं आपको, क्या है ना एक्स वन वाई वन मालूम है, देख रहे हो यही फार्मूला आपका है, तो फार्मूला पर रख दो, तो वाई वैसे देखो कभी भी समीकरण पूछेगा तो एक्स और वाई को कभी नहीं हटाते हैं, एक्स और वाई हमेशा रहता है समीकरण पूछेगा, तो यहाँ पर लिख लो वाई माइनस वाई वन का मान तो है ना तीन बराबर डी वाई बटा डी एक्स का मान बहत्तर आ गया है और एक्स माइनस एक्स वन का मान दो है, तो दो तो हो गया वाई माइनस तीन बराबर बहत्तर एक्स माइनस एक सौ चौवालीस, तो सुनो वाई वैसे ही लिखो
माइनस 72x बराबर माइनस 144 आ जाएगा प्लस 3, तो y माइनस 7x बराबर माइनस 141। ये हमने के ये समीकरण आ गया। कुछ बात समझे? जी, यानी स्पर्श रेखा का जब भी समीकरण पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। चलो एक और देखते हैं यहाँ पर कि कह दिया मान लो यहाँ पर कि उदाहरण नंबर आपका है ये वो 3 था, चलो ये 4, कि यदि 4-5 तथा वक्र y बराबर 4x पर क्यू प्लस 8x प्लस 10 हो तो अभिलंब का समीकरण बताइए। अभिलंब का समीकरण बताइए। तो पहले बता दें कि जब भी अभिलंब का समीकरण पूछेगा तो सूत्र क्या लिखते हैं, y माइनस वाई वन डबल माइनस 1/dy/dx और x माइनस एक्स। इसी फार्मूला का यूज करके आपको सवाल को लगाना है, ठीक है? यहाँ से हल करते हैं हम लोग। पहले तो आपके पास बिंदु दिया है, देखो क्या क्या बिंदु आपका दिया है, 1-4 और 1-5, तो एक्स वन हो जाएगा वाई वन हो जाएगा। और वक्र क्या दिया है आपके पास, वाई बराबर 4x/3 प्लस 8x+10। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? तो dy/dx बराबर ddx 4x/3 प्लस ddx 8x प्लस ddx 10। तो चाहते हैं 12x² + 8, किसका मान आ गया, dy/dx का। लेकिन अब सवाल में देख रहे हैं कि x का मान आपके पास मौजूद है, तो dy/dx 12 × x का मान जो है ना कितना है, 4, देख रहे हैं ना, तो ये 4² + 8, तो 12 × 16 + 8, तो 16 × 32 के 2, 16 × 16 = 192 + 8 के 2, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, ठीक है? अब क्या लिखेंगे, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण होता क्या, होता तो यही है ना, y माइनस वाई वन डबल माइनस 1/dy/dx और x माइनस एक्स। देखो आपके x1 मालूम है 4 है, y1 5 है, देख रहे हैं, और dy/dx का निकाले तो कितना है, 200। तो यहाँ पर रखते हैं, चलो y माइनस जहाँ y1 है तहाँ 5 रखो बराबर माइनस 1 वैसे ही रखो, dy/dx का मान 200 है तो 200 रखो, और x माइनस जहाँ x1 है तहाँ पर 4 है ना, 4 है तो हो गया। अब विचार दीजिए गुणा कर दो, तो 200 से गुणा आप करेंगे, y माइनस 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 एक्स किधर कर दो, तो 200y + x = 4 + 1000, तो 200y + x = क्या हो जाएगा, 1004। और ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका थ्योरी था, कल इसका एग्जांपल टोटल आपको बता दें, ठीक है?